वेल, स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग माई सेल्फ डॉक्टर आशीष गर्ग एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री रुइया गवर्नमेंट कॉलेज रामगढ़ शेखावाटी डिस्ट्रिक्ट सीकर राजस्थान बच्चों बी एस सी पार्ट थर्ड फर्स्ट पेपर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया हुआ है एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट बच्चों टॉपिक हमारा है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और मैंने फर्स्ट पार्ट में ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से मेटल कार्बन बॉन्ड फॉर्म होता है जिसमें कार्बन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कोवलिन बॉन्ड से जुड़ता है और कार्बन के ऊपर पार्शियल निगेटिव और जो मेटल या एलिमेंट इसके साथ अटैच होता है उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है बच्चों मैंने ऑर्गोमेटली कंपाउंड्स के बारे में और इनकी किस तरह से हमारी डे टू डे लाइफ में ह्यूमन बींग्स की मानव के लिए डे टू डे लाइफ में इनकी यूटिलिटी है मैंने एक दो एग्जांपल्स भी दिए थे सो वी स्टार्ट द नॉर्मन नाउ ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स का धातु यौकों का नामकरण पद्धति बच्चों देखिए यहां पर हम देखते हैं कि जब नॉमन हम स्टार्ट करते हैं तो यहां पर ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स के नाम के पहले ऑर्गेनिक ग्रुप का नाम लिखते हैं सपोज हमने यहां एग्जाम्पल लिया है सी एच थ्री एल आई तो यहां पर ऑर्गेनिक ग्रुप कौन सा है दिस मिथाइल ग्रुप राइट तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहां पर ऑर्गेनिक ग्रुप मिथाइल का नाम लिखते हैं और उसके बाद यहां पर हम धातु का मेटल लिथियम का नाम लिखते हैं और बच्चों यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर ऑर्गेनिक ग्रुप एंड मेटल इन दोनों का नाम हम मिला के लिखते हैं सी यहां पर कोई गैप नहीं है दिस इज मिथाइल लिथियम इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया है बच्चों सी सिक्स एच फाइव एल आई दिस इज फिनाइल या फेनिल फेनिलीथियम इस तरह से हम लिखते हैं पहले ऑर्गेनिक ग्रुप का नाम लिखते हैं यहां पर ऑर्गेनिक ग्रुप है फिनाइल और उसके बाद मेटल हम मेटल का नाम लिखते हैं मैंने ये बात आपको मेरे फर्स्ट लेक्चर में भी बताई थी कि हमें जब भी किसी मेटल के ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड का नाम लिखना हो तो हमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को अच्छी तरह ध्यान रखना है यहाँ पर लिथियम मेटल इस प्लस वन तो यहाँ पर एक एल्काइल या एक एराइल बच्चों एराइल से मतलब है फिनाइल कहते हैं बेलजिन को तो एक एराइल ग्रुप यहां पर अटैच होगा राइट इसका हमें ध्यान रखना है बच्चों सेकेंड रूल नॉमन क्लेचर ऑफ द ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड तो बच्चों यहां दूसरा नियम है कि एक से अधिक समान एल्काइल ग्रुप होने पर राइट सपोज सी एच थ्री होल्ड ट्वाइस तो हम क्या लिखेंगे डाई मिथाइल या डाई एलकाइल यदि यहां पर तीन सी एच थ्री है देन वॉट वी राइट ट्राई इथाइल फाइन मैंने पार्ट वन में इंट्रोडक्शन में दिया था इथाइल लेड टी ई एल राइट वहां पर हमने क्या किया था चार एथिल ग्रुप्स लेड के साथ कनेक्टेड होते हैं वाया कोवलिट बॉन्ड और हमने वहां कहा था उसको टेट्रा एथाइल बिकॉज फोर एथाइल ग्रुप इज अटैच विद द लेड तो बच्चों यहां पर हमने देखा कि किस तरह से एल्काइल ग्रुप अगर एक से ज्यादा होते हैं तो हम यहां पर प्रिफिक्स बच्चों मैं एक्चुअली आपको बताऊं कि अनुलग्न और पूर्वलग्न यूज नहीं करता आई एम ऑलवेज यूजिंग प्रिफिक्स एंड सफिक्स प्रिफिक्स जो पहले आता है एंड सफिक्स जो बाद में आता है एक्चुअली uh, बच्चों एक हर स्टूडेंट में या टीचर में कुछ वीकनेसेस होती हैं तो कुछ चीजें जिन्हें मैं देखता था कि ये मेरा वीक पार्ट है मैं अनुलग्न पूर्वलग्न में हमेशा कंफ्यूज करता था सो ऑलवेज आई रिमेंबर प्रिफिक्स इज द प्रीवियस जो पहले आता है सफिक्स जो बाद में आता है सो इट इज़ अंडरस्टूड राइट तो इस तरह से आप इसको करेक्ट कर लें मैं यहां अनुलग्न पूर्वलग्न की बात नहीं कर रहा प्रिफिक्स हम पढ़ते हैं एम ए प्रीवियस एमएससी प्रीवियस प्री जो पहले आता है सफिक्स जो बाद में आता है राइट right? सो so, यहां पर डाई एथिल, जिंक तो यहां पर हमने एथिल में संख्या सूचक शब्द वी यूज एज ए प्रिफिक्स इज द डाई हियर दिस इज दी टू एच फाइव होल थ्राइस ए एल वॉट वी यूज हियर ट्राई एथाइल एल्यूमिनियम राइट तो इस तरह से हम यहां पर एक से अधिक एलकाइल ग्रुप होने पर संख्या सूचक शब्द डाई ट्राई इनका हम यूज करते हैं टेट्रा बच्चों मैंने एग्जाम्पल दिया आपको टेट्रा का दिस इज़ टेट्रा एथाइल लेड फर्स्ट पार्ट में सेकंड थर्ड लाइन में मैंने एग्जाम्पल लिखा था नाउ वी स्टार्ट थर्ड पॉइंट ऑफ द नॉमन क्लेचर कि एक से अधिक अगर एल्काइल या एराइल ग्रुप होते हैं तो उनके नाम में पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला राइट अल्फाबेटिक ऑर्डर देखते हैं कि मैग्नीशियम बच्चों मैग्नीशियम प्लस टू सेकेंड ग्रुप एलिमेंट बीई एम जी सी एस आर बी ए आर ए दिस इज द सेकेंड ग्रुप एलिमेंट मैग्नीशियम इज द प्लस टू तो प्लस टू का मतलब यहां पर दो एल्किल ग्रुप अटैच होंगे जैसे मैंने यहां पर बताया था आपको नाउ हियर टू ग्रुप्स लाइक फिनाइल एंड इथाइल बोथ आर कनेक्ट विद द मेटल मैग्नीशियम मेटल वाया कोवलिन बॉन्ड है ना यहां पर सह संयोजक बंद से लगे हुए हैं तो बच्चों यहां पर इसका अल्फाबेटिक पी एंड ई e. तो ओ इट्स रॉन्ग इट्स रॉन्ग एल करेक्ट दिस इज थिल फेनिल ब्लेंडर दिस इज द इथाइल फिनाइल मैग्नीशियम इज द करेक्ट नेम हम अल्फाबेटिकली इसको देखेंगे बच्चों वेरी केयरफुल मैं बहुत केयरफुल कर रहा हूं इवन देन स्ली मिस्टेक्स होती हैं हमेशा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करके उसे चेक जरूर करें राइट right? तो बच्चों देखिए यहां पर हम देखते हैं कि अगर मेटल के साथ मोर देन टू एल्काइल ग्रुप्स हैं डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स हैं तो यहां पर हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उनका हम नॉमिन करते हैं तो दिस इज द इथाइल दिस इज द फिनाइल सो तो वॉट वी राइट हियर इथाइल फिनाइल मैग्नीशियम राइट दिस इज वॉट वी कैन से डायल्काइल या एल्काइल फिनाइल मैग्नीशियम नाउ इज द फोर्थ पॉइंट एल्काइल और एराइल ग्रुप में सब्सटीट्यूशन होने पर देखो बच्चों हमने यहां पर लिया है एराइल ग्रुप दिस इज द बेंजीन एरीन एराइल फिनाइल सो दैट इनके अंदर यदि सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन होता है तो पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अनुसार बच्चों हम क्या करते हैं यहां पर इसको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स दिस इज टू फोर सिक्स हियर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स दिस इज अगेन टू फोर सिक्स राइट बच्चों हम क्या लिखते हैं यहां पर देखिए यहां क्या हो रहा है ये वाला और ये वाला राइट right? ये कितने हैं दो सो वॉट वी आर यूजिंग यर बिस बच्चों बिस किसके लिए यूज होता है ऑर्गेनिक सब्सटीट्यूंट के लिए राइट right? यहां पर बच्चों फिनाइल के लिए वी यूज बिस बिस कितना वन एंड टू वी यूज बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस हेक्साकिस एंड सो so ऑन हम मैंने

तो बच्चों यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अनुसार उनकी स्थिति दर्शाकर हमने इनकी स्थिति दर्शा दी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एल राइट इज वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स राइट तो बच्चों यहां पर हम कार्बनिक समूह की संख्या को प्रिफिक्स व्हाट वी राइट दो है तो बिस लिखा है हमने बिस टू टू क्या है बिस का मतलब टू टू का टू क्या है दिस इज टू फोर सिक्स टू फोर सिक्स ट्राईक्लोरोनाइल मैग्नीशियम सो so, दिस इज द करेक्ट नेम इसका आप ध्यान रखें बच्चों फिफ्थ पॉइंट हमारा इसमें है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मेटल एटम के साथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के ग्रुप्स अटैच होते हैं राइट सो व्हाट वी कैन से दिस इज द ऑर्गेनिक एंड दिस इज द इनऑर्गेनिक एंड दिस इज द मेटल आवर फिफ्थ पॉइंट पांचवें बिंदु में हम क्या देखते हैं कि जब मेटल के साथ कार्बनिक एवं अकार्बनिक दोनों तरह के एलिजेंट्स दोनों प्रकार के ग्रुप्स तो बच्चों यहां पर दीज आर कॉल्ड मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स क्लियर बिकॉज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बोथ ग्रुप्स आर अटैच्ड द मेटल तो दीज आर कॉल्ड मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड नाउ देखिए बच्चे हम देखते हैं इसमें इनका नाम लिखते समय पहले हम लिखते हैं ऑर्गेनिक ग्रुप का नाम फिर लिखते हैं मेटल का नाम और लास्ट में लिखते हैं इनऑर्गेनिक ग्रुप का नाम इनऑर्गेनिक ग्रुप या लिगेंड सो व्हाट वी राइट हियर इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्लियर यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि मेटल को ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ लिखते हैं और फिर गैप करके ब्रोमाइड मैंने बच्चों बहुत क्लियर लिखा है इसको इसका आप ध्यान रखना ये बिल्कुल मैंने क्लियर नवन लिखा है ऑर्ग्नोमेट्रिक कंपाउंड्स का छोटी छोटी बातें हैं हमारे टीचर्स जब हमें पढ़ाते थे एलेवेंथ क्लास में मुझे याद है आई वॉज इन द सवाई माधोपुर मेरे टीचर थे हेम प्रकाश जी शर्मा वो बहुत हार्ड कोर टीचर थे और इन चीज़ों को बहुत बारीकी से पढ़ाया करते थे एक एक न्यूमरिकल्स थ्री कॉमा थ्री डैश डाइएलकाइल डैश कॉमा एक एक चीज चेक करते थे बच्चों यहां पर आप कुछ नहीं करना आपको थोड़ा सा आपको अटेंटिव रहना है ध्यान रखना है नेक्स्ट इज दी एच थ्री होल ट्वाइस एस एन सी एल टू राइट दिस इज ऑर्गेनिक लिगेंड पहले फिर मेटल फिर इनऑर्गेनिक ग्रुप राइट व्हाट व्यू राइट ऑर्गेनिक ग्रुप मेटल एंड देन इनऑर्गेनिक ग्रुप इट्स नॉट लीगेंट लीगेंट होता है कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री में है ना हमें बच्चों ग्रुप की बात करनी है अभी यहां पर मैं मेरे मुंह से लिगेंड निकल रहा है और कंपाउंड पढ़ रहे हैं सो इट्स दर इज नो एट ऑल यहां पर कॉर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता कोवलेंट बॉन्ड होता है है ना तो डाई मिथाइल टिन बच्चो दिस इज डाई मैथिल टिन मैंने मेटल को उसके साथ लिखा है देन दिस इज क्लोराइड क्लियर सो फिफ्थ पॉइंट इज ओवर नाउ इन दिक्कस पॉइंट बच्चों मेटल कार्बोनाइल्स ऑल दो दीज आर नॉट ऑर्गोनोमेट्रिक कंपाउंड मैंने डेफिनेशन में बताया है इस बात को मेटल साइनाइट्स, मेटल कार्बोनाइल्स मेटल कार्बोनेट्स यहां पर मेटल कार्बन बॉन्ड होता है लेकिन इनको ऑर्ग्नोमेट्रिक कंपाउंड्स की श्रेणी में नहीं मानते मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं बोरोन सिलीकन राइट right? मैंने बताया देखिए मेरे फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने डेफिनेशन को काफी अच्छी तरह से ब्रॉडली एक्सप्लेन किया है तो बच्चों देखिए मेटल कार्बोनाइल्स के नॉमन में सबसे पहले मेटल का नाम और उसके बाद जितने कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं उनकी नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज द संख्या सूचक शब्द वी राइट एफ होल फाइव दिस इज आयरन पेंटा कार्बोनिल राइट नेक्स्ट इज द दिस इज द कोबाल्ट बच्चों, बहुत पंगे वाली बात है मतलब सॉरी तुझे देखिए दिस इज द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दिस इज द कोबाल्ट याद रखना मैं अक्सर कॉपियां चेक करता हूं एंड बच्चे बेटा कोबाल्ट को राइट लाइक दिस दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड है ना दिस इज बच्चो दिस इज सी ओ टू सी ओ दिस इज कार्बोनाइल होल एट है ना तो दिस इज डाई कोबाल्ट एंड दिस इज ऑक्टा कार्बोनाइल दिस इज द करेक्ट नीम ये आप मेरी बात को ध्यान रखिएगा कोबाल्ट एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत अच्छे कॉलेज की कॉपी आई थी मेरे पास एंड आई एम व्हाट आई एम वाचिंग दैट सारे स्टूडेंट ने दे राइट जेड आई एन के जिंक क्लोराइड उसमें कॉलेज का नाम भी लिखा बहिषद था मैं नाम नहीं लूंगा बच्चों जेड आई एन सी हो सकता है इस तरह की गलतियां मैंने अभी भी गलती की थी यहाँ पर तो इस तरह की गलतियां हो सकता है मैं भी कर दूं बट बी प्रिकॉशन लेनी है हमें सुधार करना है कमियां नहीं देखनी है नाउ इन द नेक्स्ट वन सेवेंथ पार्ट किसी की गलतियों के निकालना बड़ा आसान काम है एंड क्रिएटिविटी को देखना बड़ा टफ काम है राइट right? क्योंकि आ, आ, बच्चों मैं ज़्यादा अपने सब्जेक्ट पे फोकस करूँगा हमें हमेशा पॉजिटिविटी देखनी है क्रिएटिविटी देखनी है देखिए नाउ सेवेंथ पार्ट सिलिकॉन मैंने बोरोन एंड सिलिकॉन दोनों के लिए कहा था दीज आर बोथ आर नॉन मेटल्स और इनके कंपाउंड्स कार्बन के साथ फॉर्म होते हैं और ये कंपाउंड ऑर्गेनोमैटलिक कंपाउंड नहीं होते ऑल दो दे आर शोइंग एज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनोमैटलिक कंपाउंड बोरोन एंड कार्बन बोरोन एंड सिलीकॉन दोनों ऑर्गेनिक ग्रुप्स के साथ कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं कंपाउंड बनाते हैं इनमें ऑर्गेनोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं लेकिन इनको हम कंसीडर नहीं करते बच्चों मेरे फर्स्ट लेक्चर में मैंने इस जगह पर इस बात को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है है ना इसका ध्यान रखना आप अब देखो बेटा यहां पर सिलिकॉन के ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स को सिलिकॉन हाइड्राइट की तरह शब्द में नामकरण करते हैं राइट देखो बेटा यदि इसमें ऑर्गेनिक व इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं तो पहले ऑर्गेनिक फिर इनऑर्गेनिक का नॉमन क्लिचर करते हैं बच्चों एक्जैक्टली exactly, पहले ऑर्गेनिक देन इनऑर्गेनिक जैसे हमने ऊपर किया है सो व्हाट वी आर यूजिंग सी एच फोर होल फोर एस आई राइट सो व्हाट वी आर टेट्रा टेट्रामेल सीलेन राइट right? देखो तो बेटा ये जो होता है ना टेट्रामेल सीलेन वी यूज हमारी uh, कार जो होती है उसका जो विंडस्क्रीन होती है ग्लास जो होता है उसको चिपकाने के लिए जो यूज करते हैं दैट इज दिस सीलेन टेथाइल सीलेन मैं इसकी यूटिलिटी में आपको इसको बताऊंगा इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं है ना एंड द नेक्स्ट वन इज द सी एच थ्री होल्ड ट्वाइस एस आई सी एल टू बच्चो यहां पर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक तो पहले हम क्या करते हैं राइट उसके बाद डाई मिथाइल देन सीलेन इस तरह से हम इनका नॉमन करते हैं तो बच्चों यहां पर ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स का नॉमन समाप्त मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों ये दो पॉइंट जो है ना ये दोनों मैंने मेरे फर्स्ट पार्ट के अंदर डेफिनेशन में इस बात को बताया है कि ये दोनों ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स नहीं हैं लेकिन हम इनको मैंने नोम में बताया है और क्योंकि इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज ऑर्गोनमेटिक कंपाउंड्स की होती हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं राइट क्योंकि हमें क्या है कि सब चीजों को साथ लेके चलना है क्योंकि इस तरह के कंपाउंड्स का भी हम एक यूनिट है आपके बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर एनॉर्गोनिक केमिस्ट्री में उनके अंदर हम इसका अध्ययन करेंगे बच्चों आई ट्राई माय बेस्ट आई एम डूइंग माय बेस्ट एफर्ट्स तो प्लीज आप लोग भी इन लेक्चर्स को देखें पढ़ें और इनका एक स्क्रीन शॉट लेके पहले नोट कर लें और फिर कम से कम दो बार इनको आप सुनें मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएंगे सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर थैंक यू वेरी मच